मैं सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी हमें देख रहे हैं, जो आगे पेरेंट्स बनना चाहते हैं, इसका ये प्रेगनेंसी के टाइम पे डिटेक्ट भी हो सकती है। तीसरे मंथ में प्रेगनेंसी के 11th और 12th वीक में ये डायग्नोज हो सकती है। बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो शायद आज इसके लिए टेस्ट नहीं लिख रहे हैं, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं इस तरह के बहुत होते हैं। और मैं बताना भी चाहूँगा कि पिछले 2 हफ्ते में 3 बच्चे इस बीमारी से ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं, जिसमें कि कनव की बॉडी जो है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर रही है। कनव के पास बहुत कम समय बचा हुआ है। इसकी जो ड्रग की कीमत है, कॉस्ट है, जो वो 17.5 करोड़ है। 9 करोड़ सुन के कि उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, कितने एफर्ट्स लगे होंगे, मैं तो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। अभी खाना भी नहीं खा पाता है, आपने बताया था सॉलिड नहीं ले पाता है। तो आप, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि अगर आपने हमें, हमने आपको कभी भी हंसाया हो, कभी भी खुशी दी हो, तो आप अगर पैसे दे सकते हैं तो पैसे बिल्कुल डोनेट करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सनी आर्या। दोस्तों, आज आपसे आपका छोटा भाई रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है हाथ जोड़ के। एक प्यारे से बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, उनके माता पिता मेरे साथ बैठे हैं, बच्चे को एक बड़ी प्रॉब्लम है, आपने बच्चे को सेव करना है। कैसे सेव करना है, क्या बच्चे को दिक्कत है, सब उसके माता पिता बताएंगे। भैया, क्या बच्चे को दिक्कत है हमारे? कनव 14 महीने का है। कनव को एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम का एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें कि कनव की बॉडी जो है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर रही है। कनव के पास बहुत कम समय बचा हुआ है। इसकी जो ड्रग की कीमत है, कॉस्ट है, जो वो 17.5 करोड़ है, जिसमें से हम 9 करोड़ के लगभग इकट्ठा कर चुके हैं। और ये हम पैसा जो है इम्पैक्ट गुरु नाम का एक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। तो वहाँ जाकर आप कनव के लिए डोनेट भी कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ दी गई डिटेल्स में आप UPI करके भी डोनेट कर सकते हैं। और वहाँ जाकर आप ये भी देख सकते हैं कि आपका दिया हुआ पैसा कनव के लिए इकट्ठा वहाँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। शो हो रहा है, मतलब जो भी जनता कर रही है डोनेट, सब कुछ शो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। दीपिका देखो, जैसे प्यारा सा बच्चा हमारे सामने, अब बॉडी में कुछ पार्ट्स काम करना बंद कर दिया। मैं तो सनी, जितना उन्होंने आज तक इकट्ठा कर लिया, मैं कह रही हूँ हम होते ना शायद हार जाते, पर इनके जैसे माँ बाप मेरे ख्याल से, मतलब माँ बाप तो सभी अच्छे होते हैं, बट मैं 9 करोड़ सुन के कि उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, कितने एफर्ट्स लगे होंगे, मैं तो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। तो एटलीस्ट गाइस, जो बचा है, हम एक एक रुपए करके भी, हर इंसान जो अगर डोनेट, किसी के पास कुछ नहीं भी है, जितना है आपके पास उतना डोनेट करो। छोटा सा, इतना प्यारा सा बच्चा है, दुनिया देख रहा है। मैं तो चाहती हूँ ये वाली जंग जीत जाए, और बच्चा जैसे हमारे बच्चे चल सकते हैं, फिर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। अभी खाना भी नहीं खा पाता है, आपने बताया था सॉलिड नहीं ले पाता है। तो आप, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि अगर आपने हमें, हमने आपको कभी भी हंसाया हो, कभी भी खुशी दी हो, तो आप अगर पैसे दे सकते हैं तो पैसे बिल्कुल डोनेट करें। अगर अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो इस वीडियो को शेयर तो कर ही सकते हैं ना, तो शेयर करें। भाभी, कैसा लगता है, मतलब कैसे कैसे आपके दिन बीते हैं, थोड़ा एक बार बताओगे जनता को आप? माँ बाप को खुशी होती है जब बच्चा बड़ा होता है, लेकिन हमारे अंदर एक बहुत डर सा बैठ गया कि जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा है, इसकी बीमारी, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि 2-2.5 साल तक की उम्र होती है बच्चे की, तो हमारे लिए वो बहुत ही मुश्किल है। तो ये कैसे कैसे दिन आपने फेस करे और कितनी दिक्कतें आई, कहाँ कहाँ पे आप गए, थोड़ा एक बार जनता को बताएंगे आप? सबसे शुरू में तो जैसे आप सब देख सकते हैं कि भाई के चैनल पे ही सबसे पहली वीडियो हमारी सन्नी भाई के चैनल पे ही थी। तो उस टाइम पे तो लोगों ने विश्वास ही नहीं किया था कि इतना महंगा इंजेक्शन भी कोई होता है। और लोगों ने, कई लोग जो होते हैं वो खुद भी डोनेट नहीं करते, लेकिन वो और लोगों को भी डोनेट नहीं करने देते, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हमारे साथ शुरू में आई थी कि लोगों ने यकीन नहीं किया। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जैसे जैसे लोगों से तक पहुँचे, हम न्यूज़ चैनल ने हमें जो है कवर किया, सेलिब्रिटीज़ ने हमारे लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई, तब लोगों को लगा कि हाँ, कुछ सीरियस है, कुछ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये चीज़ सच्ची है। तो उसके बाद से जो है थोड़ा लोगों का जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, वो चेंज होने लग गया। और लोगों ने, आज तक हमें 1,33,000 लोग डोनेट कर चुके हैं। अगर आप इम्पैक्ट गुरु पे जाएंगे या आप YouTube पे या फिर गूगल पे कनव नाम भी लिखेंगे, तो भी आपको बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कनव के बारे में मिल जाएगी। भैया, लोगों को ना कुछ, या कह रहे हो ना कि कुछ लोग नहीं यकीन करते, ऐसा वो तब होता है, कई सारी मैंने एप्लीकेशन देखी जो भी फेक होती हैं, तो लोगों को लगता है यार ये चीज़ भी, मतलब हम डोनेट कर रहे हैं, हमारा पैसा गलत ना चला जाए। तो जनता को एक बार क्लियर करो कि ये एप्लीकेशन क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये। इम्पैक्ट गुरु एक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप किसी बीमारी के लिए फंड रेज कर सकते हैं।
और इसमें ये होता है कि आपका जो भी पैसा होता है वो वहाँ कलेक्ट होता रहता है, और वो किसी को भी ये पैसा नहीं देते हैं, या तो वो डायरेक्टली आपके हॉस्पिटल को देंगे या वो दवा बनाने वाली कंपनी को वो पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, पर्सनली वो किसी को कोई पैसा नहीं देते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि दवा पैसा इकट्ठा करते करते उन वो बच्चे नहीं रहे हैं, तो उन पैसों को जो है वो संस्था जो है जिन्होंने भी डोनेट किया है उनको वो पैसा दोबारा रिफंड कर देती है, तो ऐसे वो काम करते हैं। एक सवाल मेरा भैया आपसे और था, ये जो बच्चे को हमारी दिक्कत है, ये दिक्कत बचपन से है या बाद में दिक्कत होती है ये वाली? ये बचपन से होती है सर, और मैं सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी हमें देख रहे हैं जो आगे पेरेंट्स बनना चाहते हैं, इसका ये प्रेगनेंसी के टाइम पे डिटेक्ट भी हो सकती है, तीसरे मंथ में प्रेगनेंसी के 11th और 12th वीक में ये डायग्नोज हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे गायनोकोलॉजिस्ट ने हमें इस चीज़ के बारे में नहीं बताया, हो सकता उन्हें पता ही ना हो, और बहुत सारे गायनोकोलॉजिस्ट हैं जो शायद आज इसके लिए टेस्ट नहीं लिख रहे हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं इस तरह के बहुत होते हैं, तो वो बहुत सीरियस मैटर है, आप जो है आप इसको बिल्कुल लाइटली ना लें। हम जिस चीज़ से आज गुजर रहे हैं, मैं कभी नहीं चाहता कि आने वाले कोई भी पेरेंट्स इस चीज़ को 1% भी फील करें। किस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा जनता को? सबसे पहले तो इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि एक तो आप जो भी आप माँ बाप बनने वाले हैं तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के टेस्ट कराइए, क्योंकि इनकी जो ट्रीटमेंट है वो इतने महंगे हैं कि अगर बच्चा उस जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ पैदा हो गया तो आपके पास इस क्राउड फंडिंग के अलावा कोई तरीका नहीं है कि आप अपने बच्चे का इलाज करा पाएं, क्योंकि 17 करोड़, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि 17 करोड़ रुपए किसके पास होंगे, शायद 99% पूरे भारत में कोई कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो इसको अफोर्ड कर सकते होंगे, नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी तो शायद इस इतना बड़ा अमाउंट को सोच भी नहीं सकता है, नहीं कर पाएगा। राइट, तो भैया हमें अब लाइक डॉक्टरों ने क्या कितना कुछ समय दिया हुआ है? डॉक्टर्स ने जो बताया है इसका जो टाइमलाइन होती है बेसिकली 2 साल से कम के बच्चों को ये इंजेक्शन लगता है, बट जितना जल्दी लगता है उतना इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कनव को अगर ये इंजेक्शन 1 से 1.5 महीने में अभी लग जाता है तो कनव के रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। भैया हमारे भारत देश में कुछ आंकड़ा आपको देखा होगा अपने गूगल पे भी, कितने और बच्चे जो ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? रजिस्टर्ड जो पेशेंट्स हैं, क्योर SMA नाम की फाउंडेशन है उसी से सब लोग रजिस्टर्ड हैं, सारे पेरेंट्स ही हैं वहाँ पर, तो लगभग 900 करीबन बच्चे वहाँ आज की डेट में रजिस्टर्ड हैं, जो अलग अलग एजेस के हैं, कोई 3 साल का कोई 5 साल का है, तो अलग अलग एजेस के हैं। और मैं बताना भी चाहूँगा कि पिछले 2 हफ्ते में 3 बच्चे इस बीमारी से ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं, तो वो ऐड और माइनस होते रहते हैं उस आंकड़े से। तो दोस्तों आपने कनव को ज़िंदगी देनी है, और भैया ने आपको एक ये भी चीज़ बताई है कि आपको किस तरीके से ध्यान रखना है चीज़ों का, जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे कैसे इन्होंने जांच करवानी है, सब कुछ भैया ने बताया आपकी लाइफ के बारे में। दोस्तों कनव की ज़िंदगी बचा लो, नीचे QR कोड आ रहा है, वहाँ पे कर सकते हैं, अगर आप पे नहीं कर सकते वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कनव की ज़िंदगी बचा लो। दोस्तों कुछ समय कनव के पास बचा है, जिन लोगों ने शुरू में मेरी जब वीडियो मैंने फर्स्ट कनव की पोस्ट करी थी, कुछ लोगों को मजाक लगा था कि 17-18 करोड़ का कौन सा इंजेक्शन होता है, लेकिन धीरे धीरे आपने देख लिया कनव को, आप गूगल पे नाम डालोगे कनव तो पूरी डिटेल आ जाएगी, कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने कनव को सपोर्ट किया है। तो कनव को सपोर्ट करो, कनव को एक प्यारी सी लाइफ दो, वो भी खेलना चाहता है। थैंक यू सो मच।